Hello friends, myself CA Shrikant Karwa and I am going to start here a new chapter which is partnership account. Students, अगर मैं आपको बताऊँ हमारे CA foundation के exam के हिसाब से तो ये जो particular chapter है ये approx 10 to 15 marks के करीब करीब weightage रखता है. okay? Basically इस chapter के अंदर हमें सीखना क्या क्या है उसकी एक बार list तो लगा ले. तो हमें एक basic intro लेना है first unit के अंदर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, तो इंट्रोडक्शन का एक हमारा पर्टिकुलर यूनिट रहेगा. उसके बाद हमें गुडविल का वैल्यूएशन एज वेल एज इट्स ट्रीटमेंट इसके बारे में भी स्टडी करनी है. ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये भी हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना रहेगा. एंड आफ्टर दैट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन टू अ पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और उसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, तो इन शॉर्ट आप लोगों को इतनी सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सीखनी है. तो दिस इज गोइंग टू बी अ लेंथीएस्ट टॉपिक, थोड़ा बड़ा टॉपिक है और लिटिल बिट आपको इसके अंदर ज्यादा ध्यान भी देना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स. अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर में बाकी सब चीजें वही रहेगी जो आपने अप टू 12th पढ़ रखी है. 12th में आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से किए रहेंगे तो बस यही आप लोगों को यहाँ देखने मिलेगा, बट थोड़ा सा एडवांस वर्जन के अंदर. ठीक है, बस इससे ज्यादा इस टॉपिक के अंदर कुछ नहीं है. नाउ वी आर गोइंग अहेड विद बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट. ठीक है, तो हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करने वाले हैं एंड यूनिट 1 इज व्हाट, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इससे हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं. अब बच्चों, वैसे तो इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आप लोगों को डेफिनेशन दी रखी है कि आपका पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, ये सारी बातें दी है. इवन इसको एलएलपी से भी कंपेयर किया गया है. ठीक है, तो ये सब आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर देखने मिलेगा. बट आई एम टेलिंग यू गाइज, ये सब आप लोग आपके सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ में, जो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वहां सब कुछ चीजें पढ़ रखे हुए होते हो. तो दैट इज वाई हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है. हम यहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बात करेंगे और प्रैक्टिकली जो थ्योरी मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. ओके, एक मेन मुद्दा बताता हूं बच्चों आपको, अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म करनी है. ओके, तो पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए देयर मस्ट बी अग्रीमेंट. तो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए क्या लगता है बताओ, अग्रीमेंट लगता है. तो विदाउट अग्रीमेंट यू कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप एंड दिस अग्रीमेंट कैन बी ओरल और इट कैन बी इन रिटन फॉर्म, दोनों फॉर्मेट में आपका अग्रीमेंट हो सकता है. ओके, अगर सपोज राइटिंग में आपने अग्रीमेंट कर रखा होगा रिगार्डिंग पार्टनरशिप, तो दैट रिटन अग्रीमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्टनरशिप डीड. ओके, इसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है. ये आप लॉ सब्जेक्ट में बहुत डिटेल में पढ़ोगे. ओके, तो यहां पे फिलहाल मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करूंगा, बट आपको सिर्फ छोटी मामूली बात बता दूंगा रिगार्डिंग पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, कि ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है. तो बच्चों, इस पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने मिलेगी. ओके, टर्म्स एंड कंडीशन देखने मिलेगी रिगार्डिंग व्हाट योर पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे कर रहे हो, नेम क्या रहेगा, उसका एड्रेस क्या रहेगा, कौन कौन से इसमें पार्टनर्स रहेंगे, उनका एड्रेस क्या है. तो ये सारी बातें आप लोगों को इस पार्टनरशिप डीड के अंदर दिखेगी. इवन पार्टनरशिप का बिजनेस चलाना कैसे है उससे भी रिगार्डिंग बहुत सी बातें आपको इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप डीड में देखने मिलेगी. ठीक है, तो ऐसा ये पर्टिकुलर रिटन एग्रीमेंट जो है दैट विल बी कॉल्ड एज योर पार्टनरशिप डीड. तो बच्चों, इस पार्टनरशिप डीड में बेसिकली काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं रिगार्डिंग योर पार्टनरशिप. ठीक है, और जो टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में दे रखे हैं तो पार्टनरशिप को या पार्टनर्स को उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है. ओके, बट देर आर सर्टेन मैटर्स जहां पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट रही तो वहां पे आपको पार्टनरशिप एक्ट की सुननी पड़ती है. ओके, तो मैं इसके करता हूं आपके समझने के लिए दो पार्ट्स क्या करता हूं. अगर पार्टनरशिप डीड कंटेन्स सम प्रोविजंस
सम प्रोविजन, तो फॉलो पार्टनरशिप डिड, तो फॉलो पार्टनरशिप डिड, इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों? मीनिंग इज दैट अगर मान लो आपका जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप डिड होता है उसमें कोई प्रोविजंस अगर कंटेंट हो गए तो आपको पार्टनरशिप डिड को फॉलो करना पड़ता है, ओके? बट इफ योर पार्टनरशिप डिड डजंट कंटेन्स, ओके, डजंट कंटेन प्रोविजन, अगर किसी बात की प्रोविजन पार्टनरशिप डिड में नहीं होगी तो ऐसे वक्त आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? फॉलो पार्टनरशिप एक्ट, ओके? आपको क्या फॉलो कर लेना पड़ेगा? पार्टनरशिप एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बातें आप लोग हमेशा याद रखना। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है, तो इसमें अगर प्रोविजंस वगैरह कुछ दी गई होगी तो आप लोगों को पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन इंक्लूडेड नहीं होगी तो आपको पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना है, ओके? तो हम लोग कुछ ऐसी बातें अभी देखने वाले हैं जहां पे पार्टनरशिप डेट साइलेंट हो गई तो वहां पे कैसे डिसीजन लेना अकॉर्डिंग टू एक्ट, वो चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ओके? तो यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं, सर्टेन मैटर्स वेयर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, वेयर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ओके? तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? तो मीनिंग इज दैट अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इफ पार्टनरशिप डीड में कोई पर्टिकुलर मैटर नहीं इंक्लूड किया होगा तो फिर कैसे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा? तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमेशा याद रखो बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा वो रहेगा इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स, और वो कैसा रहेगा बताओ? इक्वल, ओके? तो ये सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने यहां पे देख लिया। और ये पॉइंट क्या है बच्चों? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स में आप प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो लेट अस अज्यूम दैट एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए बी सी ये तीन पार्टनर्स है, और सपोज इन्होंने डिसाइड किया है कि 2:1:1 ये हमारा पीएसआर रहेगा, ये इनके पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है, तो सवाल ही नहीं उठता इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी व्हाट? 2:1:1, यही इनका क्या रहेगा बताओ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, ओके? लेकिन अगर सपोज पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग दिस मैटर, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना इसके बारे में कुछ लिखा गया नहीं है आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो वहां पे क्या होगा बताओ? इक्वली ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली, ठीक है? तो ये हुआ आपका सबसे पहला पॉइंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में तो आप उसे कैसे बांट दोगे? इक्वली बांट दोगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके? सेकेंड पॉइंट, नो पार्टनर हैज राइट टू टेक सैलरी, ओके? इसका मतलब क्या है? आराम से समझ के लो, सपोज यही एक पार्टनरशिप फर्म है तीन पार्टनर्स की, ओके? और तीनों पार्टनर्स इस पार्टनरशिप फर्म में जी जान लगाते हैं, मेहनत करते, काम करते हैं, ओके? और तीनों ने भी इस पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगा रखा है, और जो भी प्रॉफिट इस पर्टिकुलर फर्म में होगा ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन तीनों पर्टिकुलर पार्टनर्स के अंदर, ओके? ये बात समझ के ले लेना। अब मेरी बात आराम से सुनो। अब बच्चों अगर सपोज कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर बोलता है कि यार मैं बहुत मेहनत करता हूं इस पार्टनरशिप फर्म में, तो मुझे आप क्या करो, ये प्रॉफिट तो दे ही रहे हो बट सिर्फ प्रॉफिट मत दो, मुझे फर्म से अलग से सैलरी भी दे दो, मुझे फर्म से अलग से सैलरी भी दे दो। इसकी डिमांड करता है लेट्स से ए नाम का एक पार्टनर, तो सवाल है क्या उसे सैलरी भी दे दी जाएगी क्या? तो जवाब सुन के लो, अगर पार्टनरशिप डीड में ये मैटर के बारे में लिखा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि किसी पार्टनर को सैलरी दी जा सकती है,
तो बात अलग है। तो फिर आप पार्टनर को सैलरी दो तो भी चलेगा, बट अगर पार्टनरशिप डीड में इस सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो याद रखना दिस सैलरी विल नॉट बी गिवन। ओके, ये सैलरी जो है वो नहीं दी जाएगी। कब? अगर पार्टनरशिप डीड में इस फैक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला तो सैलरी विल नॉट बी गिवन टू द पार्टनर्स। ये बात अच्छे से आपके जहन में रखना, दिमाग में रखना। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, कि अगर मान लो आपके पार्टनरशिप डीड में रिटन है कि द पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द सैलरी, तो बात अलग है, आप सैलरी दोगे पार्टनर्स को तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो तब आप लोग सैलरी नहीं दे सकते हो किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर को। ये बात आपके दिमाग में रखना। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट या सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग द फैक्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप लोग क्या करोगे। ये हमने दो पॉइंट्स देखे, तो देखो दो पॉइंट्स वापस से हम लोग रिवाइज करते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो आप पार्टनर को सैलरी नहीं दोगे, नहीं दे सकते, ये बात ध्यान में रखना। ओके, तो दो पॉइंट्स हम लोगों ने यहां पे सीख लिए। नाउ वी आर गोइंग अहेड। नो पार्टनर इज अलाउड, नो पार्टनर इज अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो पार्टनर इज अलाउड व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी आपका पर्टिकुलर पार्टनर होगा ही विल नॉट बी गेटिंग एनी इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। अब एक बात मेरे से समझ के लो बच्चों, आपको पता ही होगा, जरूरी नहीं है कि कोई एक पार्टनरशिप फर्म में तीन पार्टनर जा रहे हैं तो तीनों भी इक्वल कैपिटल लाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। हो सकता है ए नाम का पार्टनर 5 लाख लेके आए, बी नाम का पार्टनर 2 लाख लेके आए, सी नाम का पार्टनर 2 लाख लेके आए। तो आपको नहीं लगता कि यहां पे इस ए नाम के पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लेके आया है ना? इस ए नाम के पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लेके आया है, और सपोज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो लेट्स से इक्वल ही है, तो आपको नहीं लगेगा कि ए नाम का जो पार्टनर है क्योंकि इसने ज्यादा कैपिटल लाया फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो ही कैन डिमांड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बोल सकता है कि मैंने जो कैपिटल लाया उस पे मुझे इंटरेस्ट दे दो। तो क्या आप लोग इंटरेस्ट दे सकते हो क्या? तो जवाब इज वेरी सिंपल, आंसर इज वेरी सिंपल। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट दे सकते हो तो दे सकते हो, बट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन नो पार्टनर इज अलाउड टू टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर है क्या सबको? तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकते हैं तो दे सकते हैं, बट अगर साइलेंट है, नहीं बोलती है पार्टनरशिप डीड कुछ भी, तो आप नहीं दोगे। ओके, तो ये हम लोगों ने तीन पॉइंट देख लिए रिगार्डिंग योर व्हाट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट रही तो आप लोग क्या करोगे। सबसे पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ ना बोले तो इक्वली बांट दो, कोई भी पार्टनर को सैलरी लेने का कोई राइट नहीं रहेगा। ओके, और नो पार्टनर इज अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। ओके, अनलेस इट इज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। ओके, तो ये तीन पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉविंग्स। ऑन व्हाट? ड्रॉविंग्स मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है सपोज तीन पार्टनर है एक फर्म में, और इस फर्म में से कोई एक पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए मनी निकालता है। ओके, पर्सनल कामों के लिए पैसा निकालता है, जिसे आप लोग प्यार से क्या बोलते हो, ड्रॉविंग्स। तो अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने कर दी है ड्रॉविंग, तो सवाल ये उठता क्या इस ड्रॉविंग पे ये पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ले सकती है क्या पार्टनर से, इंटरेस्ट ले सकती है क्या पार्टनर से? तो बच्चों जवाब सुन के जाना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं बताओ? अगर डीड में लिखा हो तो। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज कर सकती है पार्टनरशिप फर्म, तो चार्ज कर सकती, बट इफ नॉट रिटन
देन यू विल नॉट हैव टू टेक द या यू विल नॉट हैव टू चार्ज दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। तो आप चार्ज नहीं कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, तो नो मतलब नहीं कर सकते अगर डिड में नहीं लिखा गया हो तो। ठीक है, तो एग्जैक्टली सारे पॉइंट एक जैसे ही आपको लग रहे होंगे। तो नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉविंग्स ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर जो भी ड्रॉविंग करेगा उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, इस बात का ख्याल रखना। ओके, तो चार चीजें, चार मुद्दे हम लोगों ने देख लिए बच्चों। रिगार्डिंग पार्टनरशिप डेड साइलेंट रही तो क्या सिचुएशन होगी, तो क्या काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स विल बी इक्वल, नो पार्टनर हैज राइट टू टेक व्हाट सैलरी, नो पार्टनर इज अलाउड टू टेक व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन व्हाट ड्रॉविंग। तो ऐसे चार मुद्दे हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिए। ओके, एंड एट लास्ट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है, सपोज कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर है और इस पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को ना सिर्फ कैपिटल दी है, कैपिटल तो दी ही दी है, उसके अलावा जब पैसा लग रहा था फर्म को तो इस पार्टनर ने लोन भी दे रखा है इस हमारे पार्टनरशिप फर्म को। क्लियर हो गया? तो इस पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या क्या दिया बताओ? कैपिटल तो दिया ही है बट उसके साथ में लोन भी दिया है। ओके, तो वैसे तो इस लोन पे फर्म ने क्या देना चाहिए बताओ? इंटरेस्ट देना चाहिए, ये बात तो श्योर है। इस पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को क्या देना चाहिए बताओ? इंटरेस्ट देना चाहिए। ओके, तो सवाल है ये इंटरेस्ट कितना देना चाहिए? तो याद रखना इंटरेस्ट का रेट आप लोग समझ के लो। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा होगा, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा होगा तो डीड का रेट, मतलब डीड में अगर कोई रेट लिखा होगा तो फिर वो रेट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपके पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट देना चाहिए पार्टनर को। कब? अगर पार्टनरशिप डीड में रेट मेंशन होगा तो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड आप लोगों की साइलेंट है, ओके, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करोगे बच्चों? आप लोग 6% पर एनम का रेट लगा सकते हो। इंटरेस्ट रेट तब कितना रहेगा बताओ? 6% पर एनम का रह सकता है, दैट्स इट। तो ये हुए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस पार्टनरशिप डिड साइलेंट रही तो क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्या काम करने पड़ेंगे, ये सब बातें हम लोगों ने सीख रखी है, देख रखी है। एक बार फटाफट इसको रिकॉल करते हैं। हमने बोला रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि आपका पार्टनरशिप डिड साइलेंट होगा तो सबसे पहली बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। किसी भी पार्टनर को सैलरी लेने का कोई हक नहीं रहेगा। नो पार्टनर इज अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता है अगर पार्टनरशिप डेड साइलेंट है तो। एंड नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉविंग, ड्रॉविंग पे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो सकता है। एंड एट लास्ट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन व्हाट? पार्टनर का लोन। ओके, तो पार्टनर के लोन पे 6% पर एनम से इंटरेस्ट लग सकता है, दैट्स इट। तो ये हम लोगों ने सबसे बेसिक मुद्दे जो आपको आगे तक इस पर्टिकुलर चैप्टर में काम में आएंगे वो सब हम लोगों ने देख रखे हैं। आई होप सबके दिमाग में ये बातें जा चुकी होगी। ओके, तो बच्चों अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तब इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की शुरुआत करेंगे और इस इंट्रोडक्टरी यूनिट के अंदर और क्या क्या चीजें हैं वो सारी की सारी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चल बाय बाय।